मुझे कुछ कहना है। मेघा लेकिन मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, अगर एक बार अपने मन की बात कह दूंगी तो शायद मेरे दिल को शांति मिलेगी। कम ऑन मेघा, वो धैर्य दो इस मनोज को। मैं मेघा, मेघा खुराना इस नाम के साथ पैदा हुई थी मैं। 2 महीने पहले मैं मेघा खुराना से मेघा कोहली हो गई, शादी हुई थी मेरी। वो जो वहाँ बैठा है मनोज कोहली, किस मेघा खुराना से मेघा कोहली होने के बीच एक पुल था, अपनों का पुल, जो कुछ वादों पर टिका था, एक उम्मीद पर टिका था कि शायद शादी के बाद मेरा नाम भले ही बदल जाएगा लेकिन मेरी पहचान नहीं बदलेगी। लेकिन इस शख्स ने मेरी पहचान बदल डाली। एक लड़की जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहती थी, एक कोरियोग्राफर बनना चाहती थी, अपनी एक कंपनी खोलना चाहती थी जिसके हेड मेरे पापा जी होते, लड़की को एक छोड़ी हुई औरत में बदल दिया इस शख्स ने। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट मिस मेघा खुराना कल्प्रिट नहीं है, बल्कि वो तो खुद एक विक्टिम है जिसे फॉरेन लैंड में उसके हस्बैंड ने फंसाया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मेघा वर्सिंग के सीरियल की, जहां पर हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से हमारी मेघा जो है जेल से फरार हो जाती है और अर्जुन तलवार की हेल्प से वो उस जंगल से भी फरार हो जाती है। और अर्जुन ने अभी कैदी के कपड़े पहने हुए हैं और वो जानबूझ कर पुलिस वाले को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ताकि मेघा जो है वो आराम से वहां से फरार हो सके। और रिबन को फॉलो करते मेघा उसी कॉटेज में पहुंच जाती है जहां पर अर्जुन ने उसे पहुंचने को कहा था। और यहां पर हम देखते हैं कि भाई हमारी मेघा बेहद इमोशनल होने वाली है। जी हां, आपको बता दूं कि भाई यहां पर अर्जुन ने मेघा के लिए एक लेटर रखा है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कहां पर कपड़े रखे हैं, कहां पर खाना रखा है और कहां पर जरूरी सामान रखे हैं। और ये सब पढ़ने के बाद भाई हमारी मेघा बेहद इमोशनल हो जाती है और वो उसके चेहरे पर एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल भी आती है अर्जुन को याद करते हुए। और कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है भाई दूसरी तरफ इस बार अर्जुन को पुलिस वालों ने शूट कर दिया है। जी हाँ, इस बार अर्जुन के कंधे पर गोली लग जाती है जिसकी वजह से अर्जुन जो है बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता है अपने आप को बचाने की और पुलिस वालों से छुपते छुपते वो फिर रहा है। और वहीं हमें दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर मेघा जो है फ्रेश होती है, खाना पीना खाती है और वो काफी इमोशनल है अर्जुन के इतने प्यारे से सरप्राइज को देखकर। और हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर दूसरा लेटर भी मिलता है मेघा को जिसमें लिखा होता है कि अगर अर्जुन सुबह 5 बजे तक नहीं पहुंचता तो वहां पर एक बैग रखा है जिसमें फोन है, मैप है और कुछ पैसे भी है। और अगर अर्जुन सुबह 5 बजे तक नहीं पहुंचता तो मेघा को अकेले ही इंडिया वापस जाना होगा। लेकिन भाई ये बात सुनने के बाद मेघा बेहद शॉक में आ जाती है और वो कहती है कि उसने अर्जुन की हर बात मानी है लेकिन ये बात वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली और वो अर्जुन को अकेला तो छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। और इसी बीच यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई मेघा की आंख लग जाती है और जैसे उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 5:30 बजे होते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैंडल्स की वजह से यहाँ पर इस कॉटेज में आग लग जाती है और एंड मोमेंट पर इस बार दोबारा से अर्जुन तलवार आकर अपनी मेघा की जान को बचा लेता है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि भाई मेघा बेहद घबरा गई है अर्जुन के इस जख्मों को देखकर, अर्जुन के इस गोली को देखकर। और आपको बता दूं कि मेघा फोर्स करती है अर्जुन को हॉस्पिटल चलने के लिए, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल गए तो दोनों एक्सपोज हो जाएंगे और दोनों को ही जेल हो जाएगी। इस वजह से इस बार अर्जुन हॉस्पिटल जाने से साफ इनकार कर देता है। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई अगर अर्जुन का सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मेघा अब क्या करने वाली है अर्जुन की जान को बचाने के लिए।